True, don't know, doctor, once again, hope everything is fine. अब ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि आप ये बताएं स्मार्ट कंट्रोलर के साथ DJI Mini 3 लिया जाए या सिंपल वाले से लिया जाए. तो इसमें मैं बताऊंगा मेरी बेस्ट चॉइस और जो मेरे हिसाब से बेस्ट है जो आपको जाना चाहिए जिसके लिए. तो पूरा वीडियो तक जरूर देखें और रेट भी मैं आपको बताऊंगा किस रेट पे अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं DJI Mini 3 इंडिया के अंदर. यस, तो अगर आप नए चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. और इसमें मैं आप रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ मैनुअल फोकस के ऊपर. अब काफ़ी सेटिंग मुझे इसके पता लगती जा रही है. बताएं कैसी फोटेज आ रही है विद रिंग लाइट, इट्स कमिंग ऑन माय फेस. एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे भी जो पर्सनली लगती थी DJI के अंदर वो थी कि मोबाइल को रिमोट के अंदर घुसाड़ना और फिर वायर्स का सेटिंग, एंड्रॉयड के लिए अलग वायर एंड आईफोन के लिए अलग वायर. तो उन झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं और वो मोबाइल को आराम से सिर्फ फ़ोन करने के लिए रखना चाहते हैं तो स्मार्ट कंट्रोलर ज़रूर लें. और इंडिया में जो मैक्सिमम जो सेट्स आए हैं, जो बॉक्सेस आने वाले हैं या आए हैं और या इंट्रांजिस्ट हैं, वही हैं जिनके साथ स्मार्ट कंट्रोलर है. नो डाउट सिंपल कंट्रोलर वाले भी आ रहे हैं, उसमें वही पुराने वाला सिस्टम है. अब जब अपग्रेड आ गई है तो वाई टू गो फॉर ओल्ड वन. तो नए वाले में स्क्रीन बहुत अच्छी है, एक दो लोगों का मैंने रिव्यू भी इंडिया में भी देखा है तो उनके हिसाब से, और मैंने भी पर्सनली एक दो के पास देखी है, स्क्रीन इज़ वेरी गुड. तो आपका मोबाइल का जो बीच में चक्कर था बार बार उसको यूज़ करना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा इफ़ यू यूटिलाइज दिस स्मार्ट कंट्रोलर. तो मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने Mini 3 लेना है तो स्मार्ट कंट्रोलर के साथ ही लें. नो डाउट दूसरा थोड़ा सस्ता है, तो थोड़े सस्ता के बीच में आपका मोबाइल भी हर बार कंज्यूम हो रहा है, वायर्स के चक्कर में पड़ रहे हो, वो चीज़ मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है. आई थिंक काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है. और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जब आप जाते हैं, बस एक रिमोट है, एक वो है, बहुत ईजीली. एंड मेरे हिसाब से जो बैटरी भी कई कह रहे हैं बड़ी लिया जाए या छोटी, वो आपके यूसेज के हिसाब से. बाकी जो आम कंज्यूमर है जिसने पहली बार लेना है या जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए नॉर्मल बैटरी भी काफ़ी अच्छा इसमें बैकअप देती है. तो मेरे हिसाब से दो मेन पैकेजेस इंडिया में सेल होंगे. एक होगा कॉम्बो जिसमें आपको दो तीन बैटरीज इकट्ठी मिलेंगी, और दूसरा आ रहा है स्मार्ट वाला. ये इन्हीं की तादाद सबसे ज़्यादा है, बाकी नो डाउट दूसरे भी आ रहे हैं, उसमें 10-20 हज़ार का फ़र्क है. अब मैं आपको बताता हूँ रेट की क्या वेरिएबिलिटी है. ये अलग अलग रेट्स के 1 लाख से स्टार्ट होता है प्राइस मैक्सिमम जो बता रहा हूँ मेजोरिटी. कहीं कहीं जो है 90 हज़ार का भी दे रहे हैं, वो बहुत कम है, वो मे बी फ्रॉड भी हो सकता है. जो मैक्सिमम जनता है 1 लाख से लेके 1,20,000 के बीच में स्टैंड अलोन विद स्मार्ट कंट्रोल मिल रहा है. ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वो तो नहीं है कि कहाँ से आप उठा रहे हैं माल और आ रहा है. अलग अलग रेट के हिसाब से किसी को कितने का पड़ता है, किसी को कितना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वेरिएबिलिटी है रेट्स के अंदर. बट ये रेंज मैंने आपको बता दिया, इसी रेंज में मिल रही है. अगर हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो कन्फर्म्ड रेट आप, वो भी ये डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक चेंज होता है, तो आप ईमेल करें, मुझे कॉन्टैक्ट करें, तो जो सेलर हमारे साथ कॉन्टैक्ट में है उनके थ्रू मैं आपकी डील करवा दूंगा. तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, मतलब रेट डिपेंड ऑन, मैं यहाँ पर अब रेंज बता सकता हूँ एग्जैक्टली नहीं बता कि इतने का मिलेगा, क्योंकि स्टॉक हर एक स्टॉक जो आता है नए नए रेट पे मिलता है, तो उसके हिसाब से जो बाइंग रेट है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट करके ही बेचेगा इंसान. ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखें. तो रेंज मैंने आपको बता दी है और यही था अपडेट कि मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन यही है कि स्मार्ट कंट्रोलर के साथ स्टैंड अलोन लें. अगर थोड़ा मनी अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक लें. कॉम्बो पैक भी अभी स्टॉक में नहीं है, सबसे पहले यही ज़्यादा तादाद में आपको मिलेंगे. कॉम्बो भी आएगा क्योंकि कॉम्बो का ज़्यादा डिमांड होती है बाकी ड्रोन्स की तरह. तो होप आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. एंड डेफिनेटली Mini 3 Pro इज़ द बेस्ट बिगिनर ड्रोन टिल नाउ. ठीक है, थैंक यू.